हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम आ गए हैं नगर पालिका परिषद बड़कोट के रामलीला मैदान में, और यहाँ पर जो है शरद उत्सव की जो तैयारियाँ हैं चल रही हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अपना जो है सारा सामान जो है मेले के जो भी लोग आ रखे हैं वो लगा रहे हैं, और आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही है। आइए चलते हैं मेले की ओर। ये देखिए बच्चों के लिए जो है गाड़ियाँ लग गई हैं, और ये बच्चों के लिए झूला, और ये मौत का कुआ, अजूबा मारुति कार सर्कस का जो है ये भी जो लगा दिया है बच्चों के लिए, जो है ये झूला लगा दिया है इधर, और इधर जो है बच्चों के लिए इसमें जो है बच्चों के लिए नाव लगा दी गई है, इसमें पानी भरा हुआ है और बच्चे जो है इसमें इंजॉय करेंगे। ये भी इनकी तैयारियाँ चल रही हैं, काफ़ी झूले आ रखे हैं बच्चों के लिए। देखिए ये बत्तखों की जो ट्रेन है वो भी है, यानी कि जो बच्चे इस मेले में आएंगे वो काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये देखिए मौत का कुआ, और इसका जो है पर हेड किराया कितना है, 50 रुपये के आसपास है। यदि आप भी जो है इसमें इंजॉय करना चाहते हैं तो मेले में अवश्य पहुँचे। ये यहाँ पर ड्रैगन ट्रेन बच्चों के लिए, मेले में बच्चों के लिए देखिए मारुति कारें भी आ गई हैं, और इनका जो है नंबर भी इन पे लिख दिया गया है, ड्रैगन ट्रेन। ये ड्रैगन ट्रेन है बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ा झूला है, इसको हमारे यहाँ हिंडोला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना, कमेंट करना। ये ड्रैगन झूला है, इसका किराया पता नहीं कितना होगा भाई, 50 रुपये पर ट्रिप। अच्छा, बहुत बड़ा हिंडोला है, और इसका जो है टिकट घर भी है भाई। चलिए हैं, इन्होंने बता दिया है जो यहाँ के ओनर हैं कि 50 रुपये किराया है झूले का। यदि आप इस झूले को झूलना चाहते हैं तो मेले में ज़रूर पहुँचे। रमाई शरदोत्सव नगर पालिका परिषद का जो ग्राउंड है रामलीला ग्राउंड, उसमें पहुँचे। ये देखिए मेले में जो आपकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है, और CCTV जो है जगह जगह लगे हुए हैं कि किसी भी अनहोनी के समय पर जो इनका यूज किया जा सके। पूरे मेले प्रांगण में जो है CCTV लगे हुए हैं, और पूरी गलियों में जो है नगर पालिका परिषद बड़कोट की जो गलियाँ उनमें तो पहले से ही खैर CCTV की व्यवस्था है, लेकिन मेले प्रांगण में भी CCTV लगे हुए हैं। कपड़े लेना चाहते तो मेले में देखिए वो भी है, विभिन्न प्रकार की जो ड्रेस हैं गर्ल्स जेंट्स बॉयज़ सभी की हैं, तो यहाँ पे आप कपड़े भी ले सकते हैं। यदि आप पकौड़ी के भी शौकीन हैं तो देखिए मेले में जो पकौड़ी की भी व्यवस्था है पूरी, और यदि आपको जो है पानी पतासे बहुत अच्छे लगते हैं तो मेले में स्वादिष्ट पानी पतासों का भी इंतजाम किया हुआ है। कितने रुपये प्लेट है भाई, ये कितने रुपये का है? हाँ, 20 की 6 ना, अच्छा 20 की 6, और ये सूजी वाले 4, अच्छा ये ठीक है। जलेबी, गुलाब जामुन, बालूशाही, मटर की व्यवस्था भी जो है मेले में ही देगी। अगर आप सर्दियों में जो है आइसक्रीम का मजा लेना चाहते हैं तो मेले में जरूर पहुंचे। यहाँ पे देखिए ये सुपर सॉफ्टी कॉर्नर कार्तिक गुप्ता, इसकी भी व्यवस्था है। देखिए ये देखिए जो मंच तैयार हो रहा है, इसमें जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे वह यहाँ मंच पर होंगे, और जब जो शरद उत्सव मेले का जो उद्घाटन होगा वह भी इसी मंच से होगा। अभी इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। क्षेत्र का पूरा दृश्य जहाँ पर जो है ये शरद उत्सव मेले की तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए मेले के जो पोस्टर भी लग गए हैं पूरे बड़कोट क्षेत्र में, रवाई शरद उत्सव एवं विकास मेला 2022 5 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, स्थान रामलीला मैदान, नगर पालिका परिषद बड़कोट, उत्तरकाशी। मेले के मुख्य आकर्षण देखिए, वॉलीबॉल में जो है विजेता को 25,000 रुपये मिलेंगे, और उप विजेता को जो है 11,000, कबड्डी को वाले को जो 21,000 और 11,000, बैडमिंटन एकल को 5,000 और 3,000, बैडमिंटन युगल को 7,000 और 5,000, रस्सा कसी भी है उसमें 11,000 और 5,000।